हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज मेड इजी बाय साधना और साधना थॉमस रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू समोसा। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आलू समोसा बनाना। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। समोसा बनाने के लिए बाउल में 2 कप मैदा लिया है। अब उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, अजवाइन 1 छोटा चम्मच क्रश करके लिया है और 4 चम्मच तेल लिया है वो डालेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तेल डालने के बाद मैदा इस तरह से इस टाइप का होना चाहिए। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका सक डो बनाएंगे। बिल्कुल टाइट डो बनाना है। डो हमारा तैयार है, बिल्कुल टाइट डो बना लिया है। अब उसको ढक देते हैं, आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब उसमें डालेंगे 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज और कड़ी पत्ता। प्याज का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। कड़ी पत्ता यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसमें राई और जीरा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जीरा पाउडर डाल वाली हूँ। प्याज का कलर चेंज होने तक उसे भून लिया। अब उसमें डालेंगे 7 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, तीनों को साथ में क्रश करके लिया है, डाल देते हैं। 1 मिनट तक भून लेंगे। अब उसमें डालेंगे मटर, फ्रेश मटर लिए। हींग डालेंगे, 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, सॉरी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, उनको बारीक कट करके लिया है वो डाल देते हैं। अब उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसमें डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके लिए, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। समोसा के लिए स्टफिंग हमारा तैयार है, प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। आधा घंटा हो गया है, अब हम आटे को फिर से गूंथ लेंगे।
आटे को अच्छे से गूंद लिया, उसमें से एक लोई लेंगे। लोई को बेल लेंगे। लोई को हमें लंबा बेलना है। इस तरह से हमें रोटी को लंबा बेल लेना है, इससे समोसा बहुत अच्छा दिखेगा। बीच में कट कर लेते हैं। पानी लगा लेंगे। ये दो किनारे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। बीच में प्रेस कर लेंगे। इस तरह से ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। बीच में अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। अब किनारों को पानी लगाएंगे। और इस तरह से जॉइन करेंगे। अब अच्छे से प्रेस करेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा समोसा कितना अच्छा दिख रहा है। इस तरह से बाकी के समोसा बनाएंगे। इस तरह से हमारे समोसा तैयार है। अब हम समोसा को डीप फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम समोसा को तल लेंगे। हमें समोसा को लो टू मीडियम फ्लेम पे तल लेना है।